अरे गोरी मैम घर में है का? अरे भाई ये वॉचमैन कहाँ घर में घुस आया? अरे चाचा वॉचमैन नहीं है हम जा शहर के दरोगा आएंगे। दरोगा है? लेकिन तुम्हारी शक्ल तो एकदम कंगालों जैसी लग रही है। नहीं नहीं चाचा हम दरोगा ही हैं, लेकिन ससुर हालत कंगाली जैसी हो गई है। तो कहा है ना कि घर में नौ ठैया बच्चा है, प्रेग्नेंट बीवी है। अरे भाई तुम्हें ड्यूटी करने का टाइम मिल जाता है? नहीं नहीं चाचा कैसी बातें कर रहे हो आप, दिन भर थाने में रहते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब थाने में ही बीवी को बुला लेते हो। चाचा आप बड़ू मजाक करते हो। खैर छोड़ो, आपने हमें अपना परिचय तो दो ही नहीं है। तो तुमने लो ही नहीं है। आप दे दियो तो अब ले लो। तो बताओ फिर कौन हो? अरे भाई हम खचेड़ू के चाचा हैं। कौन खचेड़ू? अरे हमारा भतीजा विभूति नारायण। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भैया विभूति के चाचा हो। मतलब हमारी गोरी मैम के चचिया ससुर हो आप। ये गोरी मैम कौन है? गोरी मैम भैया विभूति की पत्नी है। क्या विभूति ने गोरी मैम से शादी कर ली? हाँ गोरी मैम से तो शादी कर ली। अरे नहीं भाई, खचेड़ू की बीवी तो बेचारी बड़ी सीधी साधी गांव की लड़की है। अरे ना ना, कहाँ मजाक कर रहे हो चाचा? तो हमारे साले लगते हो जो हम तुमसे मजाक करेंगे। ना हमने जो थोड़ी कही। आई लीजिए नाश्ता। आते हैं दरोगा जी। भैया है खचेड़ू की बीवी। क्या बात कर रहे हो चाचा, जी भैया विभूति की बीवी है? तो क्या तुम्हारी बीवी है? अरे लेकिन जे तो अब कछु खाएंगे का? अरे भाभी अंगूरी हमें कछु नहीं खाने, हमें जो खाने हुए हम बता दें। लेकिन आप हमें जो बताओ, आप भैया विभूति की बीवी कब से हो गई? अकल से कछु खाएंगे का? अरे हमें कछु नहीं खाने हैं। आप हमें जो बताओ, आपको भैया तिवारी से झगड़ो हो गए? कौन तिवारी? अरे आप भैया तिवारी को नहीं जानती का? हम किसी तिवारी को नहीं जानते, कुछ खाएंगे का? खैर छोड़ो, आप हमें जो बताओ कि गोरी मैम कहाँ हैं? आपने तो इतने शादी कर ली है तो बे तो फ्री हो गई हुए ना। कौन गोरी मैम? हाँ तो चुखाएंगे का?